हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में ऐड किया हूँ लूसेंट जीके कलेक्शन के टॉप 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 प्रश्नों को मैं इस वीडियो में ऐड किया हूँ। और ये ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार आ चुके हैं और भविष्य में भी इन प्रश्नों की आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्न होते हैं, सेलेक्टेड प्रश्न होते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। वही इन क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में शामिल किया हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक और बहुत ध्यान से ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आप जो भी गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रहे हों इसी वीडियो से लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछ लिए जाएँ। इसलिए मैं बोलूँगा कि आप इस वीडियो को पूरे ध्यान के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ ज़रूर देखिएगा। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन होगा उसमें क्लिक कर दीजिए, और साथ में बगल में बेल आइकन होगा उसमें भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे हमारा उत्साहवर्धन बढ़ता है ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आपको बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है और सुनना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना शहर को जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, वह प्राचीन नाम क्या जिससे पटना शहर को जाना जाता था? पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, 1930 ईस्वी की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा। ठीक है, 1930 ईस्वी की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? दांडी यात्रा। कब हुई थी? 1930 में। कई बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है इसलिए आपको ध्यान रखना है। अगला, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी जी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस राज्य में किया? आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? आंसर है सैमुअल कोल्ट। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, BCG का टीका किस रोग से प्रतिरक्षण के लिए लगाया जाता है? आंसर है यक्षमा के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, कनाडा की राजधानी कौन सी है? आंसर है ओटावा। कनाडा की कैपिटल ओटावा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? इसका आंसर है सहारा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा माउंट वेटन योजना। ये प्रश्न रेलवे, SSC, आर्मी, पुलिस सभी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, भविष्य में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंट वेटन योजना। अगला है, भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसको माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला प्रश्न, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, वन उत्पादन एवं कृषि सेक्टर के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक। वन उत्पादन और कृषि सेक्टर किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक के अंतर्गत। अगला प्रश्न, बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो प्रसिद्धि का कारण है वो पेट्रोलियम उत्पादन के हेतु प्रसिद्ध है। ये बॉम्बे हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। संत कबीर किनके शिष्य थे? आंसर है रामानंद के। जो संत कबीर थे वो किसके शिष्य थे? रामानंद के। अगला प्रश्न है, आकाशीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर है खगोल शास्त्र। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? गोदावरी तथा कावेरी। पश्चिमी घाट से नदियाँ निकलती कौन सी? गोदावरी तथा कावेरी। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे विशाल नदी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा अमेजन। संसार की जो विश्व की सबसे विशाल नदी है वो है अमेजन। अगला प्रश्न है, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? इसका आंसर है परम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DOS का विस्तृत रूप क्या है? DOS का विस्तृत रूप क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, IT का विस्तृत रूप क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों से होकर। इस पर मैं वीडियो में ट्रिक बना चुका हूँ इस वीडियो के लिए, ये जो कर्क रेखा संबंधित है इससे मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके चैनल प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महिला साक्षरता दर भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? तो ये केरल में। केरल में सर्वाधिक साक्षरता भी है और महिला साक्षरता दर भी सर्वाधिक है। समुद्री मील किसका मात्रक है? नौ परिवहन का। अगला प्रश्न है, सदा ए सरहद बस सेवा द्वारा जोड़े गए शहर कौन से हैं? दिल्ली और लाहौर। सदा ए सरहद एक बस सेवा थी, उसके द्वारा जोड़े गए शहर कौन से थे? दिल्ली और लाहौर।
मेघावती सुकर्णोपुत्री किस देश की हैं? ये है इंडोनेशिया की। अगला है फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? आंसर है वाटरमैन। फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला किस देश की थी? रूस की थी। अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली महिला थी किस देश की थी? रूस की। कंप्यूटर के संबंध में रोम क्या है? यह है रीड ओनली मेमोरी। रोम को फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। प्रथम राष्ट्रकुल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम किस वर्ष आयोजित हुए थे? तो ये हुए थे 1930 में। ठीक है, पहला जो राष्ट्रमंडल खेल है किस वर्ष हुए थे? 1930 में। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के साथ दी जाने वाली राशि कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 7.5 लाख रुपये। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ये स्थित है असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत किस राज्य में स्थित है? असम में। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है, कई बार एग्जाम में जैसे SSC हो गया, रेलवे हो गया, पुलिस, सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। अगला प्रश्न है, किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिए थे? लॉर्ड डलहौजी ने। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है दयानंद सरस्वती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, किस प्रकार के कोयले में उच्चतम कार्बन अंश प्रतिशत होता है? आंसर है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो कोयला है उसमें उच्चतम कार्बन अंश प्रतिशत होता है। अगला, हीरे की चमक किसके कारण होती है? उच्च अपवर्तनांक के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा से अवशोषित जल का ऊपर पत्तियों की ओर संचालन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है जाइलम द्वारा। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? आंसर है ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक ग्लूकोज। अगला प्रश्न, संतलतकालीन सुल्तानों में इक्तदारी प्रथा चलाई थी इल्तुतमिस ने। सल्तनतकालीन सुल्तानों में इक्तदारी प्रथा किसने चलाई थी? इल्तुतमिस ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? वेंकैया पिंगले ने। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? वेंकैया पिंगले। काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जानकारी आपको पता भी होनी चाहिए। विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की कुल सीटों का ब्यौरा भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? यह है चतुर्थ अनुसूची में। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार को किस कर से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? आंसर है उत्पाद कर से। केंद्रीय सरकार को किस कर से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? उत्पाद कर से। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान क्या कहलाते हैं? आंसर है पंपास। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के वृक्ष रहित घास के मैदान क्या कहलाते हैं दोस्तों? पंपास। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। SSC एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? आंसर ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन है? आंसर है मध्य प्रदेश। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिले हैं? कालीबंगा से। अगला प्रश्न दोस्तों, बगलीहार बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये झेलम नदी पर। अगला प्रश्न, वह विदेशी लेखक कौन था जिसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया? इसका आंसर है नूनिज। ठीक है, जो विजय वह कौन सा विदेशी लेखक था जिसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया? नूनिज। कन्नड़ भाषा के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? KV उटप्पा। अगला प्रश्न, कर्नाटक राज्य का राष्ट्रीय राजकीय पक्षी कौन सा है? धनेश। ये राष्ट्रीय यहाँ पे गलत प्रिंट है, यहाँ पे राजकीय होगा। कर्नाटक राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? धनेश। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिडकल परियोजना किस नदी पर बनी है? ये बनी है घाट प्रभा नदी पर। ठीक है, जो हिडकल परियोजना किस नदी पर? घाट प्रभा। अगला प्रश्न, नावा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र में। ठीक है, बंदरगाह संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो आपको याद रखना नावा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। अगला प्रश्न है, लाल झंडा किसका प्रतीक है? क्रांति का। अगला प्रश्न, बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर किसे जोड़ते हैं? डेविस जल संधि को। अगला प्रश्न है, शाही बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? मैसूर को। शाही बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? मैसूर को। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? तिलक व एनी बेसेंट। होम रूल लीग के संस्थापक तिलक व एनी बेसेंट। दक्षिण भारत का अंतिम राजवंश कौन सा था? काकतीय वंश। ठीक है, दक्षिण भारत का अंतिम राजवंश कौन सा था? काकतीय वंश।
सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, आपात उपबंध संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 18 में। किस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है? लाल मिट्टी में। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के एकास्मक रथों का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? नरसिंह वर्मन। अगला प्रश्न, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? असहयोग आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? ये थी बृहत। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फायदा हो। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे ऐसे ही। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।